इनकी उम्र से ज्यादा इन पर केसेस चल रहे होते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में आप जानते हो कि या तो आप सिस्टम के खिलाफ हो या आप खुद सिस्टम हो। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल हुई है। कुल मिला के 300 करोड़ रुपए उनके खुद के अभी बैंक अकाउंट में नहीं है। 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि कितने ऐसे करप्ट नेता थे जो भगभग गमछा डालते ही साथ वॉशिंग मशीन में साफ होकर बाहर आ गए। मतलब एक का हाथ तोड़ दे रहे हो, एक की आंख फोड़ दे रहे हो, फिर कहते हो धप्पा स्पाइस खेलते हैं। ना लोकतंत्र है ना तानाशाही है, मजाक हो गया। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। यार आजकल जितना भी मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं ना, जितना अलग लोगों से बात करता हूं, उनके अलग कल्चर्स को जानता हूं, उनकी जीवनी को समझता हूं, उनकी विभिन्नताओं को नोटिस करता हूं, तो समझ आता है कि हमारे देश में इलेक्शंस कितना बड़ा इवेंट है और आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट और कितना पावरफुल राइट है। हम लोग एक बार सरकार चुनेंगे लेकिन वो अगले 5 साल तक हमारे जिंदगी के हर एंगल को बदल सकती है। इसलिए वोट देना आपके अधिकार के साथ आपका कर्तव्य भी है। और अभी इतना बिल्डअप इसलिए हुआ क्योंकि इस हफ्ते यही मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, यही न्यूज है। एक PIL की सुनवाई हो रही थी जिसके दौरान कोर्ट ने कहा कि वोट देना हर सिटीजन की एक ड्यूटी है। हाँ, लेकिन कोई कानूनन जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपका वोटर कार्ड है लेकिन आपको वोट नहीं देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। कोई आगे कहेगा नहीं, कह रहे क्यों नहीं दे रहा, उठा के जेल में डाल भी सकते हैं। जैसे आप सही बोल रहे हैं, मतलब कोई लीगल कंपल्सन नहीं है, बट हाँ अपना मत देना, अपना वोट देना आपका अधिकार और आपकी ड्यूटी है। एस सेड बाय द मद्रास हाईकोर्ट। खैर, बहुत सारी न्यूज कॉन्ट्रोवर्सीज है, स्टार्टिंग विथ दिस वन। गैंगस्टर पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी का अस्पताल में निधन हो गया। कि मुख्तार अंसारी अब हम सबके बीच नहीं है, उनकी मौत हो गई है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं है तो आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि ये घटना देश में इतनी बड़ी हेडलाइन कैसे बनी। फोकस ऑन द वर्ड गैंगस्टर पॉलिटिशियन इन द हेडलाइन, हिंदी में कहें तो बाहुबली नेता या बतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजा भैया, आजम खान, विजय मिश्र, ये इसी वाली कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पावर होता है, अपने एरिया में इनका खौफ होता है, भौकाल होता है, और अमूमन इनकी उम्र से ज्यादा इन पर केसेस चल रहे होते हैं। तीन शब्द हैं, पावर, पॉलिटिक्स एंड पैटर्नेज। ये जो यूपी की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी ना, ये इन्हीं तीनों शब्दों की खिचड़ी है। अभी नहीं, बाहुबली की लिस्ट में से नाम आता है मुख्तार अंसारी का। वैसे तो ये बहुत अच्छे घराने से थे, उपराष्ट्रपति के पोते वगैरह थे, इनके दादा या नाना थे वो आर्मी में वेटरन रहे थे, पर इनका जो हिस्ट्री है वो बड़ी खराब रही थी। वैसे यूपी की मऊ सीट से ये 5-6 बार जीत चुके थे, लेकिन कई सारे उल्टे कामों में भी लिप्त थे। मर्डर, अबडक्शन, फिरौती, रंगदारी, अवैध खनन, लिस्ट बहुत लंबी है। ये नेशनल हाईलाइट में आए थे 2000 के दशक में, जब यूपी में एक जगह पे दंगे हुए थे, तब अभी खुली जीप में ऐसे बंदूक लहराते हुए नजर आए थे। वो फोटो भी उसकी इंटरनेट पे काफी फेमस है, आप सर्च कर सकते हो। और इनका पॉलिटिकल करियर काफी ज्यादा सफल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मसल पावर है तो वोट भी मिल जाते थे, और पॉलिटिकल पार्टी से बसपा से इनको टिकट भी मिल जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी को चाहिए होता था कि भाई हमको एक एक्स्ट्रा सीट मिले, और इनको चाहिए था कि संरक्षण मिले, गठजोड़। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बेसिकली पिछली सरकारों में गुंडे थे जो सिस्टम के साथ काम करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार से इनकी नहीं बनती थी। प्राइमरीली उसके दो रीजन थे, एक तो कुछ बीजेपी के नेता थे जिनकी हत्या में इनका नाम आया था, और दूसरा सप्लाई एंड डिमांड मैच नहीं होता था, क्योंकि बीजेपी सरकार में आप जानते हो कि या तो आप सिस्टम के खिलाफ हो या आप खुद सिस्टम हो। अच्छा, बोले ऐसा होता है। कई सारे सीरियल क्रिमिनल केसेस में ला के लगभग 65 केस इनके नाम पे दर्ज थे। कहने को तो 2005 से जेल में बंद थे, लेकिन उसको आप एक तरह से मेटाफोरी समझ लो, क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल इनकी जेल के अंदर भी है, कहावत थी कि इनको मछली खाने का मन था तो जेल के अंदर अपना खुद का तालाब था इनका, तो आप समझ सकते हो कि इनका कारावास कैसा रहा होगा। 2017 में योगी सरकार आने के बाद इन पर क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ, 2022 में इनका पहला शायद कन्विक्शन हुआ, और अतीक अहमद के केस के बाद तो सबको पता था कि इनका नंबर भी आ ही जाएगा, सवाल था कब। इनफैक्ट इनकी फैमिली ने ही आरोप लगाए कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इनको दरअसल स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इनके मरने के पहले जो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी सुन लो, उसमें भी मेंशन है। तो वैसे तो एक नॉर्मल खबर, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नेशन बड़ी खबर। ओके, अगली बड़ी खबर ये है कि केजरीवाल की रिहाई हो गई है। आर यू कॉमेडी मी? गिरफ्तारी का 2 हफ्ता बीतने जा रहा है और अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल हुई है, और ये मामला इतना गंभीर है कि ना सिर्फ अब देश के अंदर बल्कि देश के बाहर से भी इस पर कंसर्न जताए जाने लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता जताई है इस खबर पर। एक्शंस क्लोजली इंक्लूडिंग द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल। रोहन मिश्रा 71 लिखते हैं, अनदर डार्क डे इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, 180 लाइक्स। अमेजिंग लिखते हैं, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग, 3,500 लाइक। आदि बोलते हैं, ईडी को बीजेपी छोड़कर सब करप्ट दिखते हैं। तो कौन बोला भक्ति का चश्मा? आई अली, लोकसभा टर्न्ड इनटू लॉल सभा, राज्यसभा इनटू यम राज्यसभा। एसटीएफयू ह्यूमंस, वेलकम टू न्यू इंडिया डिक्टेटरशिप, एंड 865 पीपल अग्री विद हर। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, बीजेपी वालों को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आहा, आहा, आहा,
कम बोला कर, बिल्डोजर आ जाएगा। एक डेमोक्रेसी पानी में गई, झपाक। अब देखो ये लोगों का फ्रस्ट्रेशन है ना, अभी उभर कर सामने आ रहा है क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा ब्लेटेंट हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मोरली तोड़ा जा रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी को फाइनेंशियली। इसी हफ्ते कांग्रेस पार्टी पर इनकम टैक्स का 1700 करोड़ रुपए का नोटिस आया है। कुल मिला के 300 करोड़ रुपए उनके खुद के अभी बैंक अकाउंट में नहीं है, 1700 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। क्या ही चुनाव लड़ेंगे। एंड अब अगर आप एक बीजेपी सपोर्टर हैं और अभी तक यही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जो दोषी है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो भैया थोड़ा सा अच्छे से देख लो। इतना ऑब्वियस है कि अब पॉइंट आउट कराने का फायदा नहीं है कि कितने ऐसे करप्ट नेता थे जो भगवा गमछा डालते ही साथ वॉशिंग मशीन में साफ होकर बाहर आ गए। जिन कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, साथ ही साथ में कितनी जांच खोल बंद हुई उनकी। फंडिंग के मामले में बीजेपी का बाल बांका नहीं हुआ, बाकी सारी पार्टीज का कांचा चीना ही कर दे रहे हैं। एंड ये तो चलो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पॉइंट पे दरकिनार कर दो, दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व्ड। लेकिन जो डेमोक्रेटिकली इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, लद्दाख, मणिपुर, 10-15 चैनल है, एक हेडलाइन नहीं। भाई शर्म नहीं तो दया कर लो, मतलब एक का हाथ तोड़ दे रहे हो, एक की आंख फोड़ दे रहे हो, फिर कहते हो धप्पा स्पाइस खेलते हैं। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से आज प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। ना लोकतंत्र है ना तानाशाही है, मजाक हो गया है अब। ओके, इलेक्शन से ही रिलेटेड अगली बिग न्यूज आपको बताता हूँ। आपको पता होगा जैसे इलेक्शंस पास आते हैं, कई सारे सुपरस्टार सेलिब्रिटीज को उठा उठा के पॉलिटिकल पार्टी भरने लगती हैं ताकि उनको फील किया जाए। जैसे कि शिवसेना में आपके गोविंदा आ चुके हैं, अरुण गोविल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ कंगना ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है। गुड न्यूज, फाइनली बेचारी का एक टिकट तो बिका। कंगना ने अनाउंस करते हुए ट्वीट किया, माय बिलव्ड भारत एंड भारतीय जनता'स ओन पार्टी has always had my unconditional support. Today, the national leadership has announced me as their Lok Sabha candidate from my birthplace, Himachal Pradesh, Mandi. I abide by the High Command's decision on contesting the polls. I feel honored and elated to officially join the party. Chalo, admit to kiya officially. वरना अनऑफिशियली तो कब से प्रचार कर रही हैं? वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है, वो 2014 में मिली है। भाई बीजेपी के हिसाब से तो बढ़िया कैंडिडेट है, कुछ भी बोल देती है। आजादी भीख में मिली थी, मुंबई पीओ की जैसा है, एंटी चीटिंग बिल से अडल्टरी रुकेगी। अब तो मुझे चाहे राइट विंग का बोल दो, बट मैं तो चाह रहा हूँ जीत जाए, कंटेंट ही कंटेंट। मंडी वालों देख रहे हो तो दे दो वोट, डेवलपमेंट का पता नहीं, एंटरटेनमेंट की गारंटी जरूर दे रहा हूं मैं। अगली खबर भी पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है और अब तो कुछ बोल भी नहीं सकते, जेल में डाल देते हैं ये। बोलिए बोलिए, आपकी तो सुनी लेंगे। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। भाई देख क्या रहे हो, करो, मोदी जी ने बोला करने का तो करने का, अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि नहीं करेंगे। ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, जितने हैं सब करो। आप चिंता मत करो, मैं सब्सक्राइब कराता हूँ, जितनों ने नहीं किया ना बस बुलडोजर रेडी रखो अपना, सब्सक्राइब का लाल बटन हो या काला दबा दबा के भगवा कर दो। अच्छा, एक इकोनॉमिस्ट है संजीव सान्याल जी, ये प्रधानमंत्री की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर है और काफी एक चर्चित पर्सनालिटी है। इन्होंने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर बात की, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, इकोनॉमी, कल्चर, कई सारे टॉपिक्स पर बात की। काफी इंटरेस्टिंग और इनसाइटफुल पॉडकास्ट था, मैंने देखा, मेरा टाइम बड़ा अच्छी तरीके से निकल गया। अगर आपको देखना है तो बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूंगा, ये पॉडकास्ट है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। खैर, इसी पॉडकास्ट के दौरान इन्होंने एक बात कही जो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रही, सुनिए। I still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time basically trying to crack the UPSC. Yeah. I think lakhs of people spending their best years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people are actually going to get in makes no sense. If they put the same energy into doing something else, you know, we would be winning more Olympic gold medals, we would be seeing better movies being made. That same energy put into something else. So I would say it's a waste of time. Abhi jo inka argument tha ki UPSC kai sare logon ke liye waste of time hai, better resources ka utilization karna chahiye, is par kafi zyada behas chali. क्योंकि देखो एक पॉइंट पे बात भी सही है, हमारे देश में इतनी ज्यादा आबादी है, सीट्स ब्यूरोक्रेसी की कम है, इतने सारे लोग यूपीएससी आईपीएस के पीछे भागते हैं और सब लोग मनोज शर्मा नहीं होते, ज्यादातर प्रीतम पांडे बन के रह जाते हैं, है ना। तो वही बात है कि इतना जो यूपीएससी में लड़का बच्चा जा रहा है, क्या ज्यादातर उनमें से अपना वक्त खराब कर रहा है? क्या जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसके साथ वो डिविडेंड का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता है? बट उसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि ऐसा नहीं कह सकते कि वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यूपीएससी आप बनो ना बनो, इतना ज्यादा पढ़ लिख लेते हो, इतना नॉलेजेबल हो जाते हो कि अल्टीमेटली आप एक बेटर पर्सन तो बन ही सकते हो, ये बात भी कही जाती है। तो इस स्टेटमेंट पे कई सारे लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए और जैसे कि आप जानते हैं अपने संडे शो में राउ जाइए स्टडी सर्कल की फैकल्टी की बहुत हेल्प लेते हैं नॉलेज के मामले में, बट इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम एस्पिरेंट से ही बात करें और उनसे पूछें कि ये जो आप कर रहे हो यूपीएससी, जो आप बनना चाहते हो आईपीएस आईएएस, अगर नहीं बन पाए तो क्या इस एग्जाम की उतनी मान्यता है, उतनी वैल्यू है, क्या आप इसको छोड़ के कुछ और भी काम कर सकते थे? कुछ इंटरेस्टिंग सवाल ये हमने उनसे पूछे, आओ उनके जवाब सुनते हैं। So, सौरभ, आपने अभी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जिनका नाम संजीव सान्याल है, उन्होंने
बोला है कि यूपीएससी इज अ वेस्ट ऑफ यूथफुल एनर्जी, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? आई कांट डिनाय हिज ओपिनियन. व्हाट आई बिलीव इज दैट यूपीएससी इज वेरी इंटीग्रेटिंग एग्जाम. यस. एंड इन दिस अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर एवरी ईयर. अगर उनका वो क्लियर नहीं भी होता है एग्जाम, तो भी ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन दिस प्रिपरेशन विल गो इन वेन. मैं जितना मानता हूं, अगर उन्होंने यूपीएससी की प्रिपरेशन कभी की होती तो वो ये बात नहीं बोलते. ओके. अगर मेरे से कोई बोले कि तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, तो इससे पहले मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की है. Okay. उसमें भी मैंने एसएसबीज दी है जी. तो वहां से वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था मेरा. वहां से मैंने चीजें सीखी हैं. करेक्ट. ठीक है ना. करेक्ट. तो वो यहाँ पे यूपीएससी हमें क्या सिखाता है? हमें यूपीएससी आईएएस नहीं बनाता है. हमें यूपीएससी इतना मेहनती बनाता है कि भाई इफ यू बिकम एन प्राइम मिनिस्टर, इफ यू बिकम चीफ मिनिस्टर, इफ यू बिकम प्रोफेसर, एनीथिंग, आप अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे रहोगे. तो चाहे हमें सफलता मिले या ना मिले. Exactly. वो अपनी जगह है. अपनी जगह है. सब नहीं बन सकते सर. 10 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं, एक ही जगह सीट्स हैं. सब नहीं बन सकते. And it's not just UPSC, it's just having the power to make the right decision and someone who is looking upon you to make the right decision. So with all due respect to him, yeah. If we are like 2 years or 3 years in this journey, it's not waste of time. For example, if I don't get success in this journey, I'll go for a PhD. And I think there are plenty of options. It's not like it's waste of time. Like, we take decisions and they can be right, they can be wrong. It's not like we should not be afraid to take decisions. In fact, आपके जीवन में कोई ना कोई आपका दोस्त मित्र तो होगा जिसको IAS तो बनना ही बनना है. आपको क्या लगता है कि अब यूपीएससी एक हाइप हो चुका है, ज्यादातर लोग भेड़ चाल में कर चल रहे हैं, या फिर नहीं, या फिर उस एग्जाम का जो क्रेज है वो जस्टिफाइड है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #UPSC लिखकर जरूर बता सकते हैं. IAS तो जरूर बनूंगा, ये तो क्लियर ही है. चलो शुरू करते हैं उस न्यूज के साथ जिसको न्यूज चैनल्स पे ही इग्नोर किया जा रहा है. लद्दाख में सोनम वांगचुक ने 21 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद अपना फास्ट खत्म कर दिया. और इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो खत्म हो गए. अभी भी कई सारे लद्दाख के वुमेन, वहां के स्टूडेंट ग्रुप, वहां के एक्टिविस्ट अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे. सोनम वांगचुक का कहना है कि वो दूसरी तरफ से सरकार से बात चालू रखेंगे, और अगर बात फिर भी नहीं बनती है तो वो फिर से क्लाइमेट फास्ट पर बैठेंगे. एंड देखो, लद्दाख ना हमारी कंट्री की भी रीसेंट हिस्ट्री में वन ऑफ द मेजर प्रोटेस्ट रहा. इससे पहले भी फार्मर प्रोटेस्ट हो चुके हैं, शाहीनबाग प्रोटेस्ट हो चुके हैं. लद्दाख के बारे में स्पेसिफिकली मुझे लगता है दुखद बात ये थी कि इस प्रोटेस्ट को, इस इवेंट को उतना कवरेज मिला नहीं जितना ये डिजर्व करता था. ऑलमोस्ट सारे ही न्यूज़ चैनल ने इसको इग्नोर किया. कभी भी टीवी खोलो, इलेक्शंस, कंगना, मुख्तार अंसारी, फलाना, हिंदू मुसलमान, लेकिन लद्दाख को सबने साइडलाइन किया. लेकिन हमारी ये सिटीजंस रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम इस मुद्दे को कंटिन्यू रखें. जब तक लद्दाख में इस बात का प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें सिटीजंस उनको सपोर्ट करते रहे. वहां पे लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप थोड़ी अंगूठा हड़ताल करो और नीचे कमेंट सेक्शन में #लद्दाख लिखो. अच्छा, एक और खबर जिसके बारे में बात नहीं की जाती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. सर थोड़ी सी बात, छोटी सी रिपोर्ट है, उसके बाद मैं पॉजिटिव न्यूज बता दूंगा. आप मुझे नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे देना प्लीज. विन विन डील. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने निकाली है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट. सब फॉरेन फंडेड एंटी इंडिया रिसर्च है. इससे पहले तुम करो, मैं खुद ही डिस्क्रेडिट कर देता हूं. इस रिपोर्ट में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई और बोला कि देश में जितने भी बेरोजगार है उनमें से लगभग 80% देश का युवा है. टू कोट द रिपोर्ट, 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर द यूथ. इनफैक्ट रिपोर्ट ने यह भी बताया कि पिछले 20 सालों में जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यानी कि वो लोग जिन्होंने कम से कम हायर सेकेंडरी किया है उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डबल हो गया है. सन 2000 में जो 35% था, 2022 में वही बढ़कर 65% हो गया. और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स डेटा पॉइंट है, बट दो जिनके बारे में बात करना चाहूंगा वो है पहला, डेमोग्राफिक डिविडेंड. देखो, देश को ना, हमारे देश को यंग देश माना जाता है, और यूजली जिस देश में ज्यादा यूथ होता है, जो एक यंग कंट्री होती है, उसको माना जाता है कि इसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, एक बढ़िया पोटेंशियल. बट यही अगर जो यूथ है अगर वो अनएम्प्लॉयड रहे तो ये वेस्टेड पोटेंशियल है, ये वेस्टेड डेमोग्राफिक डिविडेंड है. तो एक प्रॉब्लम होती है जो एक यंग देश अब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, दूसरी आती है. दूसरी, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी है. मतलब क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, जगह जगह कॉलेजेस खोल दिए हैं बट कोई रियल एजुकेशन और स्किल्स पर उतना फोकस नहीं किया गया, तो हमारे देश में जो कहते हैं ना, जो एजुकेटेड यूथ निकल रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो 12th पास होकर आ रहा है, वो इतना स्किल्ड नहीं है, उतना इंप्लॉयबल नहीं है. कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई बच्चों ने इंजीनियरिंग कर ली, वो एक कागज पत्र पर इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, लेकिन उनको लाइन ऑफ कोड लिखना नहीं आ रहा, तो कैसे कंपनीज भी उनको हायर करें. तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अनएम्प्लॉयबिलिटी की भी प्रॉब्लम है. क्या पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकंड ईयर. किस सब्जेक्ट में? प्लेन BA, प्लेन. अच्छा, आपको पिछले संडे शो से याद होगा कि कैसे कर्नाटका में एक मेजर वाटर क्राइसिस आया हुआ है. इन दिनों बेंगलुरु में इतना खराब हाल है कि पानी की कमी की वजह से कई सारे घर हैं
जिनको वेस्टेज ऑफ वाटर के लिए फाइन किया जा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब शहर से पलायन कर रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं कि भाई यहाँ पे पानी की इतनी कमी है कि अब यहाँ रह नहीं सकते। कई सारे ऐसे घर है जिनको पीनलाइज किया जा रहा है, वहां की अथॉरिटी उन पर चार्ज लगा दिया कि भाई आप पानी ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, इतनी खराब हालत हो चुकी थी। बट टर्न्स आउट कि ये हालत अब सिर्फ कर्नाटका की नहीं है बल्कि एक नेशन वाइड प्रॉब्लम उभर के सामने आ रही है। कई सारे स्टेट्स और सिटीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे अब गर्मी पास आ रही है पानी की किल्लत उनमें भी हो रही है। जो देश की मेजर वाटर रिजर्वॉयर्स हैं जहां से भाई पीने का पानी आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है, उनमें अब पानी कम हो चुका है। वो अपनी 40% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। एंड क्योंकि वाटर क्राइसिस देश की एक बड़ी प्रॉब्लम है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके शहर में भी ये समस्या हो। तो बिल्कुल बताइए, आप अपने शहर का प्रतिनिधि बनिए, रिप्रेजेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में #watercrisis लिख के अपने शहर का नाम बताइए और बताइए कि वहां पर क्या पानी की किल्लत फेस कर रहे हो आप लोग। अच्छा, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो संस्था जो दुनिया भर के बिलियनर्स बताती है, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट निकाली और मैंने सोचा इसके बारे में तो आपको बताई जाए, क्योंकि अपने पास पैसा हो ना हो दूसरे के पास कितना पैसा है ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है हमको। बात तो सही है। तो इन्होंने बताया कि देश में जो इंडिया में बिलियनर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। एंड नाउ मुंबई हैज द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स इन एशिया। पहले यही जो चाइना की सिटी है शंघाई, उसके पास ये था। इंडिया में बिलियनर्स की तादाद बढ़ गई है ओवरऑल। तो अगर आप दुनिया में देखो तो चाइना में सबसे ज्यादा है 800 करीब, उसके बाद यूएसए में है। बट अगर आप सिटी वाइज बात करोगे तो दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं वो आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में, फिर लंदन में, और उसके बाद नाम आता है अब मुंबई का, जहां सबसे ज्यादा अरबपति हैं। अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे बात करो तो सबसे ज्यादा देश में पैसा है मुकेश अंबानी के पास, उसके बाद है गौतम अडानी के पास, और उसके बाद बीजेपी। खैर, मुंबई से याद आया, संडे भारत सीरीज के दौरान हम मुंबई घूमे थे, हमने मुंबई पे एक वीडियो बनाई थी, कई सारे लोगों को पसंद आई थी, मुंबई का कल्चर कैप्चर करने की कोशिश की थी। अगर आप देखना चाहें तो ये थंबनेल रहा, आई बटन पे लिंक है। चलो आपको एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूं, ये सुन के आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसाइट भी मिलेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टेस्ट जो बोलते हैं, उन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की है जिसमें उन्होंने अनपेड डोमेस्टिक लेबर के बारे में बात की है। हियर मी आउट, पहले सैंपल साइज सुन लो। इस रिसर्च में लगभग 4.5 लाख लोगों को सर्वे किया गया, 2 लाख करीब मेल थे, 2 लाख करीब फीमेल थे। उसमें पाया गया कि दुनिया भर में जितना काम, जितना अनपेड डोमेस्टिक लेबर मेल करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा महिलाएं करती हैं, और इंडिया में वही प्रोपोर्शन बढ़ के 1:10 हो जाता है। मतलब महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा अनपेड डोमेस्टिक लेबर करती हैं। अच्छा, अनपेड डोमेस्टिक वर्क क्या होता है? वो काम जो घर पे तो हो ही जाता है, बट अगर उसी को आप बाहर करवाने जाओ तो उसके लिए पैसे चार्ज होंगे, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े इस्त्री करना, बर्तन मांजना, ये होता है अनपेड डोमेस्टिक वर्क। जस्ट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना चाहता हूं कि इसमें मेरा ना पर्सनली थोड़ा सा ओपिनियन अलग है। मुझे लगता है कि इंडिया का ना जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा अलग है, तो उसको डाउनराइट डिस्क्रिमिनेशन कहना थोड़ा सा ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। हमारे देश में जो फैमिली स्ट्रक्चर बनता है उसमें महिलाएं जो होती हैं वो गृहस्थी का एक काम संभालती हैं, पुरुष को एक। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उसी काम की प्रोफाइलिंग कर देते हैं। मतलब आपकी बीवी, माँ, बहन घर में खाना इसलिए बना रही है क्योंकि जैसे आप काम कर रहे हो बाहर जाके उनका गृहस्थी में ये योगदान है, बट आपके लिए खाना बनाना और आपके बर्तन साफ करने का ठेका नहीं ले रखा है उन लोगों ने। ये हमारे देश में ना मर्दों की बहुत बुरी आदत है, उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इन्हीं का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो ऐसा नहीं है जनाब, वो आपका खाना बना रहे हैं, अच्छी बात है खाना खाओ, लेकिन कम से कम इतनी बेसिक डिसेंसी रखो कि अपनी झूठी थाली जो है वो सिंक में रख के आओ। बहुत अंकल होंगे ना इस बात पे मुंह बन गए होंगे, अच्छी बात है ना, सिर्फ डगार मार के सूरती खाने से आप मर्द नहीं बन जाओगे। अंकल तांटी ने ठेका नहीं ले रखा, थोड़ा घर के काम में हाथ बटाना सीखो ना, मूछो में माचिस लगा दूंगा। और जनाब क्या चल रहा है? अच्छा, होली पर कई सारी वीडियोस वायरल हुई, कोई दोस्तों के साथ रील बना रहा था, कोई घर पर रील बना रहा था, कोई स्कूटी पर रील। आउच, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कई लोग रील बना रहे थे और कुछ लोग माहौल बना रहे थे। जहां खड़े होने की जगह नहीं होती वहां लेटे जा रहे हैं। आइए देखते हैं जनता ने क्या कहा। अंकुश गुप्ता म्यूजिक कहते हैं, सच अनहोली म्यूजिक, गुड पन ब्रो। हाउ पीपल एट द बैक आर अनबोदर्ड, यार दिल्ली के लोगों को ये सब देखने की इतनी आदत हो गई है उनके लिए अब नॉर्मल है। महक बोलती है, डेली मेट्रो इजंट फॉर बिगिनर्स, आई एग्री। HR की रंगोली सेलिब्रेशन, डेली मेट्रो नीड्स टू स्टार्ट चार्जिंग एंटरटेनमेंट टैक्स कॉज डैम। मैं तो पहले ही कहता हूँ भाई कि डेली मेट्रो में लोग ट्रैवल कम, एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा जाते हैं। खैर, जब ये वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए पहले तो केस दर्ज किया गया, फिर इनको पुलिस स्टेशन में एक रिव्यू दिया गया और फिर पब्लिक ऑब्सिनिटी के अंडर इन पर 80,000 रुपए का फाइन ठोक दिया। मेरा घर जाएगा इसमें, अंग लगा दे, रंग लगा दे, चूना लग गया दीदी को। खैर, जोक्स अपार्ट, एक और वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वो थी भोपाल से। दरअसल एक कपल था जो अपनी दादी के साथ बदतमीजी कर रहा था, उनके साथ मारपीट कर रहा था और किसी नेबर ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, जिसके बाद वो वायरल चली गई। और ये वीडियो ऐसी है, इतनी ज्यादा मारपीट की है, बताया है कि 75-80 वर्ष उनकी आयु है और जितनी बुरी तरीके से उनके साथ असॉल्ट हो रहा है, उनके कोई मारपीटी हो रही है उनके साथ, वो वीडियो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, आपका अभी दिल दुख जाएगा। कई सारी ऐसी वीडियो नहीं होती जो विचलित कर देती है, इट इज वन ऑफ देम।
अब अच्छी बात यह है कि ये दोनों पकड़े गए हैं, ये भागने की फिराक में थे बट पुलिस ने इनको पकड़ लिया और बाद में इनकी खातिरदारी भी की। बुरी बात यह है कि ये एक लौता मामला नहीं है। अब देखो है क्या ना कि ऐसे कई सारे केसेस हम खुद जानते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, जहां पर कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घर के बुजुर्गों का उतना सम्मान नहीं करते, कुछ केसेस में तो उनका निरादर करते हैं और उनको अब्यूज करते हैं वर्बली एंड इन सम केसेस फिजिकली। और यहां पे काफी ज्यादा लाचारी के साथ बोलूंगा कि इस केसेस में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमें खुद नहीं पता होता कि किसके घर में क्या चल रहा है। बट इस वीडियो को भी कई सारे लोग देख रहे होंगे तो बस इतना कहना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना और उनको कम से कम वो बेसिक उनकी एज के हिसाब से रिस्पेक्ट देना, केयर देना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा फर्ज है। और कोई फर्क नहीं पड़ता बुजुर्ग आपके घर के हों या किसी दूसरे के घर के हों, वो बुजुर्ग हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो हैं जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई, सिखाया, और ये साइकिल चलता रहेगा। आप अभी जवान हो, कदगाठी अच्छी है, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आगे जाके ना आपको भी वो सम्मान नहीं मिलेगा। इस एस्पेक्ट में आपके कर्म बहुत मायने रखेंगे। बाकी अगेन जैसा मैंने कहा, कौन अपने घर में क्या कर रहा है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। बट हैप्पी कि ये इंसिडेंट सामने आया और इस बुजुर्ग महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उससे उनको राहत मिली। एक और वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो था ये वाला, और जब आप सुनोगे तो विश्वास नहीं करोगे कि इसमें एक्चुअली है क्या। ये रिकॉर्ड किया गया यूपी के अमेठी में एक रेलवे क्रॉसिंग से। डीपीसी की ट्रेन खड़ी हुई थी और कुछ रेलवे के एम्प्लॉइज धक्का दे रहे थे उसको। क्या? एक ट्रेन को धक्का दे रहे थे। भैया ट्रेनों में कभी धक्का लगाओ सुने हाँ और लिया देखो। मैंने पता लाइफ में बहुत कुछ देख लिया पर ये मुझसे देखा नहीं गया। Which reminds me कि आजकल और भी कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं, खासकर जो रेलवे के जो पैसेंजर्स होते हैं वही शूट करते हैं, जो बताते हैं कि भाई आजकल रेलवे में ट्रैवल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, खासकर उन पैसेंजर्स के लिए जो एक रिजर्व्ड टिकट पर ट्रैवल करते हैं। उन्होंने कई ज्यादा वीडियो शेयर की कि स्लीपर कोच हो या एसी कोच हो, वहां पे भी जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स होते हैं वो जाके उनकी सीट घेर लेते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो एसी कोचेस के जो पर्दे होते हैं उन पर्दों को उखाड़ लिया गया है, वहां उनको जमीन पे बिछा के उन पे सोया गया है, तो रेलवे की प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है, जिससे जो पैसेंजर्स हैं उनको ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब दूसरी तरफ जो अनरिजर्व वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमको टिकट नहीं मिल रहा है, आजकल ट्रेन इतनी कम कर दी गई है। बट मैंने सोचा सही मौका है कि आपसे पूछा जाए कि अगर आपने रिसेंटली कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है तो क्या आपको देखने को मिला है कि जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो गया है। एक तरफ हम वंदे भारत जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं बट जो नॉर्मल ट्रेन है उनमें क्या एक्सपीरियंस खराब हो गया आपको पहले के मुकाबले, कि आपको ज्यादा डिस्कम्फर्ट फेस करने को मिला है। एक बार कॉमेंट सेक्शन में हैशटैग रेलवे लिखकर जरूर बताना। अच्छा मैंने आपको बताया होली पे कई सारी रील्स बन रही थी, इन वाली दीदियों को पुलिस ने नाप दिया, एक और रील बन रही थी उनको चोरों ने नाप दिया। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में ये आंटी एक रील बना रही थी और रील बनाते बनाते इनके साथ फिर कुछ यूं हुआ। रील तो वायरल हो गई बट एट वॉट कॉस्ट। बट पता पर्सनली मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि आजकल कुछ भरोसा नहीं है कि कौन सी घटना असली में हुई है और कौन सी घटना वायरल कराने के लिए की गई है। अच्छा लेट मी स्पिल द बीन्स, हर मिडिल क्लास बच्चे का ना एक सपना होता है कि एक दिन अचानक से हमारे पिताजी आए और बोले कि बेटा सुनो ये जितनी भी गरीबी तुमने हमारी देखी है ना सब झूठ है, दरअसल हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, ये सब हमने नाटक ढोंग इसलिए किया ताकि तुम पैसे की वैल्यू सीख जाओ, ये लो अपनी फरारी गाड़ी, हम लोग करोड़पति लोग हैं। ये तुमने भी सोचा है ना अगर ये सच हो जाए तो मजे ही मजे। ये सपना सच हुआ है चाइना में। ये व्यक्ति है जैंग युडोंग और एक मिलियनेयर आदमी है, करोड़पति में भी करोड़पति, बहुत पैसा था इनके पास, लेकिन 20 साल तक इन्होंने अपने बच्चे को, अपने पुत्र को जैंग जिलोंग जिनका नाम है, उनको नहीं बताया कि हम पे बहुत पैसा है, बोला नहीं नहीं यार बहुत लॉस में चल रहे हैं, गरीबी में जिए, एक नॉर्मल फ्लैट में जिए। 20 साल जब हो गए, जब वो ग्रेजुएट कर गए तब जाके बताया कि अरे सुनो बहुत पैसा है अपने पास, बहुत अमीर है, ये इसलिए कर रहे थे ताकि तुम पैसे की वैल्यू सीखो। शिट आई एम सो जेलस ऑफ हिम। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा जलेगी इसके दोस्तों की, बोलेंगे कल हमारी टू व्हीलर पे ट्रिपलिंग करते घूम रहा था, आज अपनी फोर व्हीलर ले आया ये कैसे। बट खैर मुझे सही में लगता है कि अगर आप अपने अर्ली स्टेजेस में एक मिडिल क्लास घर से हो तो लाइफ में कहीं ना कहीं फायदा तो होता है। आई मीन नथिंग अगेंस्ट दो लोग प्रिविलेज्ड हैं बट हियर मी आउट, मुझे सही में लगता है कि अगर आप मिडिल क्लास में पले बड़े हैं तो जब बड़े होते हैं ना तो आपको रियलाइज होता है कि वो जो सुविधा का अभाव था आपके बचपन में, आपके लड़कपन में, वो जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको लाइफ में नेविगेट करने में बहुत हेल्प करता है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप कई सारी मुश्किलात में फंसते हैं और आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, है ना, जैसे हमारे लाइफ ने हमको ट्रेन किया है। या मोर सो अगर आपके पास बड़े हो गए कभी कुछ प्रिविलेजेस आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ी सुविधाएं आ जाए, तो जब वो नहीं रहती वो चीज़ तो उतना खलता नहीं है। इनफैक्ट इन जनरल जब आपके पास प्रिविलेजेस नहीं होते तो आप दुनियादारी के बारे में बहुत सीख जाते हैं क्योंकि आपको संघर्ष करके कई चीज़ें ना आपको मेक डू करना होता है। कई टाइम होता है जब आपको जुगाड़ लगा के कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और वही थोड़े से स्ट्रगल्स, वही थोड़ी सी जुगाड़, वही फ्रुगैलिटी बड़े होकर आपको एक और प्रैक्टिकल इंसान बना देती है। जो बड़े हैं वो उस बात को समझ रहे होंगे बट अगर आप अभी अपने टीनेज ईयर्स में, और ये बात आपको थोड़ी खलती है कि यार उतने शौक नहीं है, उतने ऐशो आराम नहीं है, तो ट्रस्ट मी भाई
जब आप उस बड़े हो गए ना, आप अपनी इसी जिंदगी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करोगे इस मामले में कि हाँ थोड़ी परवरिश जैसी हुई ना, उसने काफी कुछ अनजाने में सिखा दिया। अच्छा अगली पॉलिटिकल भसड़ सुनाता हूँ, ये हुई यूपी के कानपुर में। एक तो हर भसड़ यूपी में ही क्यों होती है। यूपी आई लव यू। दरअसल कानपुर में ट्रेन से बीजेपी के उम्मीदवार आ रहे थे रमेश अवस्थी जी। अब ऑब्वियसली वो नेताजी आ रहे थे तो भाई कार्यकर्ता भी जाए थे माला लेके और नारे लगाने पहुंच गए, भाई साहब जिंदाबाद जिंदाबाद फूलों की माला। भाई साहब ट्रेन से उतरे, माला चढ़ाई गई, नारे लगाए गए, 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि रॉन्ग नंबर लग गया, आदमी ये वो नहीं है जो हम सोच रहे, गलत नेताजी तो ट्रेन से उतरे ही नहीं अभी। हाँ जी। फिर कहते हैं कि हमको अंधभक्त क्यों बोलते हैं, अबे अपना नेता ही नहीं पहचान पाए तुम लोग। और इतना कंफ्यूजिंग भी नहीं था, साफ साफ डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये भाई साहब नितिन गडकरी की फर्स्ट कॉपी, ये सेकंड कॉपी। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। यूपी से एक और घटना सुनो तो, 16 साल के एक लड़के ने अपने पिताजी की सुपारी दे दी, 1.5 लाख रुपए एडवांस दे दिए गुंडों को कि हमारे इनको पिताजी को मार देना। क्यों? क्योंकि उसको पॉकेट मनी नहीं दे रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ मतलब मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि उसने अपने पिताजी की सुपारी दी, क्यों दी? क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे तुमको। भाई अगर तू मुझे सुन रहा है तो थोड़ा वेट कर लेता, क्या पता जब तू 20 साल का होता तेरा पापा तुझसे बोलता कि बेटा हम करोड़पति हैं, मैं तो जेब खर्च इसलिए नहीं दे रहा था ताकि तू पैसे की वैल्यू समझे। बताओ नेब नेब से लड़के, दाढ़ी निकली नहीं है, बाप की सुपारी दे दी, ये है यूपी। बताइए इसमें पढ़ाई का माहौल है, इसमें स्कूल खुल गए हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आप फील्ड में घूम रहे हैं। यार नया जो गरीब होते साथ हो रहा हूँ, आप लड़ेंगे लड़ेंगे थी नहीं बस लड़ेंगे। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज है मनरेगा प्रोजेक्ट को लेकर। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम गांव देहातों में चलती है, कांग्रेस पार्टी ने शुरू की 2006 के अराउंड। 2024 इलेक्शन के पहले सरकार ने घोषणा की कि मनरेगा स्कीम में जो वेजेस मिलते हैं उनमें 2 से लेकर 10% की बढ़ोतरी की जाएगी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर के हिसाब से। अब अगर मनरेगा स्कीम के बारे में आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ कि ये ना एक सोशल स्कीम है जिसमें रूरल एरियाज जो हैं उन वहां पे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है, लगभग साल के 100 से लेकर 150 दिन का उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 200 से लेकर 300 रुपए तक की दिहाड़ी मिलती है जिसमें। और इसमें जो अगर आप मानो कि 2 से लेकर 10% का बढ़ोतरी हुई है, यानी कि भाई है कि 20-30 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, और हो सकता है आप मानो उसको कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो तबका मनरेगा पर डिपेंड करता है, जो गांव देहात के लोग होते हैं 200 300 400 रुपए दिहाड़ी में काम करते हैं, ये 20-30 रुपए भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा देश वो है जहां पर 1000 रुपए अगर आप महीने के प्रॉमिस कर दो तो इंसान अपना वोट छोड़ो जान भी देने को रेडी हो जाएगा। ऐसे में जो गांव देहात हैं खासकर जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर ये 20-30 रुपए भी कई करोड़ों ग्रामीण देशवासियों को बहुत खुशी देगा। पिछले हफ्ते की वीडियो पे बहुत सारे टॉपिक्स पे आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए जिनमें से कई सारे पे मुझे बात करने का बहुत मन है, चलो शुरू करते हैं। विनोद नायक 21 पिछली वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं इट्स कन्नड़ा विद ए इन द लास्ट एंड नॉट कन्नड़। अच्छा जितने भी कन्नड़ेगा भाई हैं आपके लिए एक बार के लिए मैं कन्फर्म कर देता हूँ ये गलती होती क्यों है। तो ये पहले भी हुआ था जब मैं कर्नाटक बोलता था और लोगों ने बोला कर्नाटका, एंड वी आर स्लोली लर्निंग। इसमें होता क्या है ना कि हम लोग जो है हिंदी से पढ़े हुए हैं और हिंदी में आप जब कर्नाटका नहीं लिखते हो आप कर्नाटक लिखते हो, जब हम लोग ने जब पढ़ा था, अब तो खैर उसको भी सुधारने लगे, और कन्नड़ा को भी कन्नड़ लिखते थे। तो हम लोगों ने जब पढ़ाई की है ना तो हम लोग वो डिफॉल्ट हो गया है कि अब हम कर्नाटक और कन्नड़ हमने पढ़ा है। जब हम थोड़ा से बड़े हो गए और आप लोगों ने हम लोग करेक्ट किया, सिखाया कि वो कर्नाटका होता है वो कन्नड़ा होता है, तो उसको धीरे धीरे करके लर्न कर रहे हैं। अब वो पिछली वीडियो में लोगों से बोल रहा था तो वहाँ वो डिफॉल्ट निकल गया, अगर स्क्रिप्ट करके लिखता तो थोड़ा सा उस चीज़ को करेक्ट करता, बट प्लीज़ गिव अस टाइम। मतलब ऐसे चढ़ा मत करो कि यार ये ऐसा 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 है। आई नो आप लैंग्वेज को लेकर पूछ रहे हो, वो अच्छी बात है, बट समझो कि वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, कुछ जानबूझ के नहीं करता, बट क्योंकि हम लोग जो वो भाषा के बीच में डिफरेंस, जैसे कि हिंदी में भी होता है तो गंगा गैंजेस हो जाती है, कर्म कर्मा हो जाता है, धर्म धर्मा हो जाता है, ऐसे। अब उनकी भी गलती नहीं है, वो अपने हिंदी नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाए, ऐसे ही मे बी, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आ कहाँ से रहा। स्टिल गेट्स, आई लाइक योर यूजर नेम। जिस हिसाब से सार्थक इतनी हैवी लाइंस लिखता है, फॉर एग्जांपल कर्मा सेक्युलर होता है एंड एलविज के हिसाब से ज्यादा जहरीला इंडियन मीडिया है, आई वुडंट बी सरप्राइज इफ ही बिकम्स अ रैपर और अ शायर। नहीं यार देखो रैपर नहीं बन सकता, उसका एक वजह है कि मेरे को मतलब फ्लो नहीं आता बात करने में, और शायर में बना तो जॉन एलिया टाइप कुछ नहीं, मैं बनूंगा रामदास अठावले। ये है टैलेंट। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट अलाउइंग फंड्स टू नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स? यू ऑलवेज हैव न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एवरीथिंग, योर आइडल। यार देखो मेरा नहीं रहता न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके इस सब लास्ट वाले सवाल का एक बार आंसर देता हूँ दोस्त। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू किसी का नहीं होता, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो अभी एन्नी हो, कोई भी आपका फेवरेट क्रिएटर हो ना, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। आप लेफ्टिस्ट बोल लो राइटिस्ट बोल लो ना, मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल एक न्यूज चैनल हो सकता है, न्यूट्रल एक न्यूज पेपर हो सकता है, बट जब आप इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हो ना तो भाई इंसान है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है, तो उसका अपना एक विचार होता है, विचार होंगे तो मतलब विचारधारा होगी, तो हर व्यक्ति का अपना एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट प्रोसेस है,
और वो जब थॉट प्रोसेस होता ना, तो कोई भी इंडिविजुअल कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कभी भी कोई बोलता ना कि ये न्यूट्रल है ये नहीं है, वो आप गलत, आपका थॉट प्रोसेस ही गलत है। आप अगर आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो न्यूट्रलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता। Zomato कंट्रोवर्सी पे सौरभ जैन बोलते हैं, एज अ जैन आई ऑर्डर फ्रॉम वेज रेस्टोरेंट माय जैन फूड बट समटाइम्स इट हैव कंटेंट्स ऑफ रूट वेज इन इट, सो बेटर टू नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन इन डिलीवरी बॉय यूनिफॉर्म। ऑल्सो अ रिक्वेस्ट टू ऑल एटलीस्ट ऑफर देम अ ग्लास ऑफ वाटर टू ऑल गिग वर्कर्स एंड देन ट्रीट देम एज ह्यूमंस, डोंट डू डिस्क्रिमिनेशन विद एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। यार पानी तो पता बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब आप अगर जाके देखोगे ना, मैंने तो उनसे बात भी की थी, हो सके तो उसके बाद क्लिप भी लगा दूंगा। जैसे ट्रीट किया जाता है ना वैसे, कि मतलब पता नहीं क्या कोई उधार उधार मांगने आए हो, लिफ्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ से पानी नहीं पी सकते, ये गेट यूज़ नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट, मतलब वो एलिटिस्ट मेंटेलिटी ना आपको देखनी हो तो आप ये गेटेड सोसाइटीज़ में डिलीवरी बॉयज के साथ देखो। कभी आप जाते होगे दूध सोचे आपके कस्टमर से बात करते होगे, कुछ कस्टमर अच्छे से बिहेव करते होंगे, कुछ कस्टमर थोड़ी बदतमीजी करते होंगे, तो अगर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर मान लो कोई कस्टमर देख रहा है, एक चीज़ जो आप चाहते हो कि कस्टमर के साइड से सुधरे, या एक ऐसा कुछ कस्टमर कर दे जो आपको अच्छा लगे, या जो खराब वो चीज़ करते हैं नहीं करनी चाहिए, बताओ। एक तो कस्टमर को टाइम से हम ऑर्डर डिलीवर्ड करें और थैंक यू बोले बाद में, ताकि हमें अच्छा एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ठीक है, और उसके बाद रेटिंग करके उसको धन्यवाद बोलें और अपना आए, तो वो हमारे लिए एक फीडबैक देते हैं कंपनी को कि हाँ डिलीवरी अच्छी हुई है और टाइम से हुई है और कोई डैमेज नहीं हुआ ऑर्डर। हमको जो बिहेवियर होता है ना हमारे प्रति, गेट पे ओटीपी वो सर बहुत ही ज़्यादा नाकारा और निकम्मा होता है। वो ना तो देखो अप्रूवल देते हैं हम लोगों को, ना ही टाइम पे ओटीपी भेजते हैं, ठीक है, ना ही टाइम पे वो फ़ोन उठाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, कस्टमर ऑर्डर करता है, करने के बाद पे लोग एंट्री के लिए गेट पे खड़े रहते हैं अप्रूवल के लिए, दो दो बार कॉल करते हैं, तीन तीन बार कॉल करते हैं, उसके बाद में अप्रूवल आता है। संडे विचार, सरद भाई क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस बार इलेक्शन का मुद्दा बनेगा? वैसे आई लव यू संडे सभा, नहीं बनेगा कोई भी इलेक्शन का मुद्दा जब तक मीडिया अपना काम ढंग से नहीं करती और नेशनल मीडिया उसे ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल्स पे उसको नहीं उठाती। यूट्यूबर तुम कितना भी देख लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी उस पर बात करेंगे, ट्विटर इंस्टाग्राम नथिंग, अगर टीवी मीडिया ढंग से अपना काम करती है तो मुद्दा बनेगा, और नहीं बनेगा। हो सकता है मेरा सवाल आपको डिसअपॉइंट कर दे, बट इट्स अ रियलिटी। एनीवे, ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स, इन्हें मिलता है आप जानते हैं क्या, एक महीने का फ्री संडे सभा सब्सक्रिप्शन, यानी कि न्यूज़लेटर्स। वेबसाइट पर जाके आप बाकी लोगों से न्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं, और हाँ, हमारी जो एक्सक्लूसिव मीटिंग होती है वहां आके हम एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, सोच विचार करते हैं। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति भी जैसे उतनी न्यूज नहीं देखनी, सिर्फ एक न्यूज़लेटर चाहिए, तो आप संडे सभा को ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। संडे भारत जर्नी की अपडेट देता हूं, हम लोग की जो रोड की ट्रिप थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने पे आ गई है। हम लोग इस टाइम पे वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं वो हमने इस हफ्ते केरला की दो वीडियोस अपलोड की, जहां एक में हमने केरला की वेजिटेशन के बारे में, वहां की नेचर जो इतना सुंदर है और क्लाइमेट चेंज उसमें क्या इफेक्ट होते हैं वो जाना, उसके बाद एक वीडियो में हमने वहां की पॉलिटिक्स डिस्कस की वहां के लोकल लोगों के साथ, और एक है तमिलनाडु की कोयम्बटूर की, जहां पर हमने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप ये वीडियो देख लो, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, आप तमिलनाडु की पूरी पॉलिटिक्स पहले की और करंट पॉलिटिक्स समझ जाओगे और आने वाले इलेक्शन में क्या ट्रेंड हो सकता है। आने वाले दिनों में हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फर्दर स्टेट्स की भी वीडियो अपलोड करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी आने वाली है इस सीरीज में, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये सारी वीडियोस हैं, ये तो अभी देख लो या तो वॉच लेटर पर डाल के बाद में देख लो, बट सारे एपिसोड खत्म होने के बाद भी देख लेना, बस यही बताना था। अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। तंग किया गया। या। ताली बजाओ। थैंक यू। एंड अब हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट संडे सभा। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे, हमें ये, हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। मूवी भी अपने दम पे नहीं चल रही, इलेक्शन भी अपने दम पे नहीं जीतना, तो दीदी आपका टैलेंट क्या है फिर? बात तो सही है, काम से तो नहीं जीतना। बट देखो, ये तो आप भी मानोगे कि कंगना पॉलिटिशियन तो बहुत पहले बन चुकी थी, बस अनाउंस अब कर रही है। डेली बॉयज आर अट्रैक्टिव। अबे यार तुम लोग जेल में हैं भाई, बेचारा उसको तो छोड़ दो, आज की निभाओं का कोई दीन ईमान नहीं है क्या तुम लोग का? कोई नहीं। Bro rejected date request from ED. ED ने पकड़वा व्यवहार कर लिया उनका। Bro was arrested because of being so attractive. If cuteness is a crime, then arrest me. ये है, ये सही बात बोल रहा है। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरण में आपका कोटि कोटि प्रणाम। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई?
Bro joins Congress, Modi ji votes for him. When bro was born, nurse congratulated him for having healthy parents. Ozone layer protects sun from this guy. Bro takes responsibility of Goldie Brar. Kabhi-kabhi lagta hai ki apun hi bhagwan hai. I don't have money to contest Lok Sabha election, Nirmala Sitharaman. Our finance minister couldn't manage her own finances. Main politics karti hoon, management nahi karti hoon ji. My financial situation these days. तुम इस वीडियो की आयरनी देखो, मोदी जी दूल्हा बने हैं। वाह क्या सीन है। भाभी जी पल्लू पल्लू 1500 का है। भाभी जी पल्लू बाहर ही इसलिए रखी थी ताकि कोई पूछे और वो लहरा सके। शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट वुमन ऑन अर्थ नाउ, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा मुझे लगता है मेरी थ्योरी है, लड़कियां अगर गलत तो बताना, कभी कभी कुछ हरकतें तुम लोग जानबूझ के इसलिए करती हो ना ताकि सामने वाला आके कॉम्प्लीमेंट करे, है जानबूझ के ड्रेस ऐसे कि कॉम्प्लीमेंट ऐसे इयर रिंग्स ये कि अच्छा ओ इयर रिंग्स नाइस इयर रिंग्स या ओ हाँ हाँ वो सब पता है हम लोगों को भी, जानबूझ के तुम्हारे झलावे में आते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग भी कम थोड़ी है भाई। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा पत्रकार, महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा एससी एसटी के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं। बड़ा कम। अब तुम्हें यार सिलेंडर वाला सवाल पूछना है तो स्मृति ईरानी से पूछो ना। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर की बात करिए, आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। दुर्भाग्य यह है कि एक घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर, एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। रोहित जी, आप एक माला और लेके बैठ जाएं सब एंकर लोग के 400 पार, थोड़ा सा तो। देखिए आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जी, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, आपके लिए सम्मान है, बट आइडियाज मत दीजिए इनको प्लीज, ये गलती बहुत बार कर चुके हैं। आपको अभी लग रहा होगा सार्कास्म, कल सटायर परसों रियलिटी बन जाएगा। माला छोड़ो, ये कमल के फूल से गजरा बना के झंडा पकड़ के बैठ जाएंगे और यही हमारे देश की असलियत है आजकल। अगला मीम ये है कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो खत्म हो चुका है। थोड़ा सा तुमको ऐसी गोटी मैं यहाँ पे इसलिए दी क्योंकि तुम लोग वैसे नहीं मानते, सिर्फ करके वापस चले जाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो चुका है। लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना क्योंकि ये तुम्हारे भाई की ना छोटी सी दक्षिणा होती है। पंडित जी दक्षिणा मांग रहे हैं तुमसे, दिलेर आदमी दे दो, है अपना ख्याल रखो। बाकी संडे शो के अलावा संडे भारत की भी वीडियोस देखते रहो, नहीं देखोगे तो भी कोई बात नहीं, संडे शो में तो अगले हफ्ते मिलेगी, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रख लेना, है ना। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड वो थोड़ा ड्रम रोल कर देना पिछली बार भूलिए।